उमर अंकल, आप कब आए और कैसे हैं आप? बस कुछ ही देर पहले आया हूँ और तुम्हारा वेट कर रहा था कि तुम कब स्कूल से, और तुमसे मुलाकात करके मैं घर चला जाऊँ वापस। हाँ जी, बाबा ने बताया था कि आप आएंगे कल, तो मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था कि कब स्कूल से छुट्टी और मैं घर जाऊँ और आपसे मुलाकात करूँ। मैं आए, बैठ के बातें करते हैं। जी जी क्यों नहीं, आए बैठ के बात करते हैं। आप सुनाइए उमर अंकल, आजकल क्या करते हैं आप? बस बेटा, आजकल बच्चों को पढ़ाने में मसरूफ हूँ। आप सुनाइए, आपकी स्टडी कैसी जा रही है और रमजानुल मुबारक कैसा जा रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अंकल, बहुत ही अच्छी स्टडी जा रही है। आपको पता है आज हमारा टेस्ट हुआ और 100 में से मैंने 95 मार्क्स लिए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे जा रहे हैं आप तो फिर स्टडी में। अच्छा अंकल, आप मुझे रमजानुल मुबारक के बारे में कुछ बताएंगे? ये प्यारा बरकतों वाला रहमतों वाला महीना, हम पे जो साया फिगन हुआ है, उसके बारे में आप मुझे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देंगे? जी जी बेटा जी, क्यों नहीं दूंगा इंफॉर्मेशन, मैं आपको ज़रूर दूंगा। चलें बताता हूँ मैं आपको। पूछे आपने क्या पूछना है, किस बारे में आप सवाल करेंगे मुझसे, मैं उस बारे में आपको जवाब देता हूँ। कल हमें रमजान मुबारक के सिलसिले में हमारे टीचर ने भी बहुत कुछ बताया था, तो बाबा जान से भी मैंने बहुत कुछ इंफॉर्मेशन हासिल की थी इस बारे में, और आप भी मुझे रोज़ों के बारे में, इसकी फर्जियत के बारे में कुछ बता दें, ताकि मुझे और इसके ज़्यादा इल्म हो जाए कि क्या क्या होता है रमजान मुबारक में, क्या नहीं होता, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। रोज़े हिजरत के दूसरे साल फ़र्ज हुए और ये दीन का अहम रुकन है। इसके वजूब के मुनकर की तकफीर की जाएगी। रोज़ों के फ़ज़ाइल के मुतालिक मुतअद्दिद अहादीस हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जब माह रमज़ान की पहली रात आती है तो तमाम जन्नतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और पूरा महीना दरवाज़ा बंद नहीं होता, और अल्लाह ताला एक आवाज़ देने वाले को हुक्म देता है कि आवाज़ दो ऐ भलाई के तलबगारो, आगे बढ़ो ऐ बुराई के ख्वाहिशमंदो, पीछे हो जाओ। फिर वो कहता है, कोई है जो बख्शिश तलब करे ताकि इसे बख्श दिया जाए, कोई मांगने वाला ताकि वो मांगे और इसे दे दिया जाए, कोई तोबा करने वाला है तोबा करे ताकि इसकी तोबा कबूल की जाए, और सुबह होने तक ये निदा मुसलसल होती रहती है। और अल्लाह ताला हर ईद उल फितर की रात को 10 लाख ऐसे बंदों को बख्श देता है जो मुस्तहिक अजाब होते हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी फजीलत है, क्या मुझे थोड़ा सा और बताएंगे इसके बारे में? और एक और हदीस में है कि हज़रत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि खत्मुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें शबान के आखिरी दिन खुतबे में फरमाया, ए लोगों, तुम पर एक अजीम महीना साया फिगन हो रहा है जिसमें लैलतुल कदर, जो हज़ार महीनों से बेहतर है, अल्लाह ताला इस के रोज़ों को फ़र्ज़ करार दिया है। इस माह की रातों की इबादत नफली है, जिसने इस माह में एक नेकी की इसको दूसरे महीनों में फ़र्ज अदा करने जैसा सवाब मिलता है, और जिसने इस माह में एक फ़र्ज अदा किया गोया इसने दूसरे महीनों में 70 फ़र्ज अदा किए। ये सब्र का महीना है और सब्र का सवाब जन्नत है। ये भाईचारे और मोहब्बत का महीना है, इसमें ईमानदारी की इसमें ईमानदारी की रोज़ी में फराखी कर दी जाती है। जिसने इस महीने में किसी रोज़ेदार का रोज़ा खुलवाया इसे एक गुलाम को आज़ाद करने के बराबर सवाब मिलता है और इसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, हम में से हर शख्स ऐसी चीज़ नहीं पाता जिससे वो रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार कराए। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ये सवाब हर उस शख्स को अता करेगा जो किसी रोज़ेदार का रोज़ा दूध के घूंट या पानी के घूंट या खजूर से इफ्तार करवाए, और जिसने किसी रोज़ेदार को पेट भर कर खाना खिलाया इसके गुनाहों की बख्शिश होगी, और अल्लाह ताला इसे मेरे हौज से ऐसा सैराब करेगा कि वो इसके बाद कभी प्यासा ना होगा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने रमजानुल मुबारक के, क्या कहने हैं। और इसे भी रोज़ेदार के बराबर सवाब मिलेगा, लेकिन रोज़ेदार के सवाब में कमी ना की जाएगी। और ये वो महीना है कि जिसके अव्वल हिस्सा में रहमत, दरमियान में मग़फ़िरत और आखिरी हिस्सा में जहन्नुम से रिहाई है। जिसने इस महीने में
अपने गुलाम या खादिम से काम लेने में कमी की है तो अल्लाह ताला इसे जहन्नुम से छुटकारा देगा। इस माह में 4 काम कसरत से करो, इनमें से 2 कामों में से तुम अपने रब को राजी कर लोगे और 2 कामों के बगैर चारा कार नहीं। इनमें 2 काम ला इलाहा इल्लल्लाह का कसरत से विर्द और इस्तगफार है, 2 काम जन्नत के लिए इल्तिजा और जहन्नुम से पनाह मांगना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी ने रमजान के रोजे ईमान और सवाब के लिए रखे इसके अगले पिछले तमाम गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। सुबहानअल्लाह। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला फरमाता है, इंसान का हर अमल उसी के लिए है मां सिवाय रोजा के, क्योंकि ये मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। ये किस कदर खुशबख्ती है कि अल्लाह ताला इस इबादत को अपनी तरफ मंसूब फरमाता है और इसे अपनी जात से मंसूब फरमाया है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी उम्मत को रमजानुल मुबारक में 5 ऐसी बातें अता हुई जो इससे पहले किसी भी उम्मतों में से किसी को भी अता नहीं हुई। माशाल्लाह माशाल्लाह, वो कौन सी 5 बातें हैं जो सिर्फ हमें यानी कि अकल अलैहिस्सलाम की उम्मत को अता हुई हैं, क्या आप बताएंगे मुझे? पहली बात तो ये कि रोजेदार के मुंह की बू, यानी इसका मतलब ये नहीं मुंह और दांत साफ ना किए जाएं, बल्कि माह रमजान में मिसवाक करना दीगर अयाम की निस्बत ज्यादा सवाब होता है और जो अल्लाह ताला के यहाँ मुश्क की खुशबू से ज्यादा पकीजा है। और दूसरी बात ये, फरिश्ते इनके यानी रोजा इफ्तार करने तक इनके लिए दुआए मगफिरत करते रहते हैं। तीसरा, सरकश शैतान इस माह में कैद कर दिए जाते हैं। और चौथा, अल्लाह ताला हर दिन जन्नत को संवारता है और फरमाता है कि अन करीब मेरे नेक बंदे इसमें दाखिल होंगे, इनसे तकलीफ और अजियत दूर कर दी जाएगी। पांचवा, आखिरी रात में इन्हें बख्श दिया जाएगा। और अर्ज किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, क्या इससे मुराद लैलतुल कदर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, लेकिन काम करने वाला पूरा काम करे तो फिर इससे पूरी मजदूरी भी तो मिलती है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इंशाल्लाह मैं भी नियत करता हूँ कि मैं रमजानुल मुबारक के तमाम रोजे रखूंगा और ज्यादा से ज्यादा नेकियों का एहतमाम करूंगा और गुनाहों से इज्तिनाब करूंगा और किसी ना किसी रोजेदार का रोजा इफ्तार जरूर करवाऊंगा हर दिन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपको हमारी ये वीडियो यानी हमारा ये वाला प्रोग्राम और एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, कल फिर मिलेंगे 5:30 बजे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।